किसानों के मुद्दे और जनलोकपाल की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठे अन्ना हजारे ने सातवें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे और उनका अनशन खत्म कराया। अन्ना ने कहा है कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, इसीलिए मैं 6 महीने की मोहलत और देता हूँ। आखिरकार मोदी सरकार को समाज सेवी अन्ना हजारे के सामने झुकना ही पड़ा। कहीं आंदोलन की अलग से यूपीए 2 की तरह मोदी सरकार भी न गिर जाए, इसी डर से बीजेपी ने एक हफ्ते के अंदर ही अन्ना को मना लिया है। सरकार ने उनकी मांग मान ली है, जिसके बाद 23 मार्च से आंदोलन पर बैठे अन्ना ने आज सातवें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामलीला मैदान में उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। अन्ना ने खुद मंच से ऐलान किया कि सरकार हमारी मांगे मानने को तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की कृषि उपज की लागत के आधार पर 1.5 गुना ज्यादा दाम देने का फैसला किया है। साथ ही लोकपाल की नियुक्ति पर केंद्र जल्द फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि हम केंद्र को इन सब को पूरा करने के लिए 6 महीने का समय देंगे, वरना हम फिर से आंदोलन करेंगे। भले ही आज अन्ना ने आश्वासन के बाद अनशन तोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर 6 महीने में काम नहीं किया गया तो 2019 में सरकार हिलाकर ही दम लेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार अन्ना से किया गया वादा कब तक पूरा करती है, या फिर ये सब सिर्फ सरकार बचाने के लिए किया गया ढोंग है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।